व्हाट्सअप गाइस, लियो मूवी का ट्रेलर देखा है हमने और आप लोग भी बोलोगे भैया बवाल। थलपति विजय क्या एक्टर है बंदा यार, इतना स्मूथ लगता है एक्शन सीन हर एक चीज। अनिरुद्ध का म्यूजिक भी गजब था। देखते हैं फिल्म इंडियन चैनल पे दीक्षा शर्मा का क्या कुछ कहना है और क्या डिटेल अगर हमने मिस करी है तो क्या पता लगेगी। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। कौन कौन एक्साइटेड है जरूर बताना। 1 2 3 गो। बड़े बड़े स्टार्स अपनी मूवीज रिलीज करते हैं कैलेंडर में फेस्टिवल ढूंढकर, लेकिन जब किसी फिल्म का नाम लेने से पूरा कैलेंडर ही फेस्टिवल बन जाए तो समझ जाना बॉस वहाँ पे लियो की बात है। लियो ईयर, लियो मंथ और अब ट्रेलर के बाद शायद लियो एरा भी आएगा। बूम ट्रेलर ने 100% गूज़बम्प्स, एक एक सीन में एक एक बीट में गूज़बम्प्स। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी गलती आज तक, जल्दी बताओ, हम मूवीज बनाते हैं विद फिल्टर। ब्रूटल सिनेमा बनाना और देखना दोनों हमें नहीं आता, लेकिन उसको आता है वो जो अपने यूनिवर्स से इंडियन सिनेमा को सिर्फ पैसे कमा के नहीं देगा बल्कि पूरा इंडियन सिनेमा रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। डायरेक्टर लोकेश ये सबसे अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं अपने पूरे इंडियन सिनेमा में। जो इनको समझ गया वो रियल सिनेमा तक पहुंच गया। हॉलीवुड अगर यहां था तो अब इंडियन सिनेमा उसके ठीक पीछे खड़ा है। क्रेडिट टू वन एंड ओनली लोकी भाई, जिनको सैल्यूट है बॉस। और जब इनके हाथों में थालापति विजय को पकड़ा दिया जाए तो वो सिर्फ रॉकेट नहीं न्यूक्लियर मिसाइल बनके गिरेंगे पूरे इंडियन सिनेमा के। लॉन्च हो गया है ट्रेलर और एलसीयू की मिसाइल दोनों एक साथ। घर के दरवाजे बंद कर लो बिकॉज मौसम बिगड़ने वाला है। ट्रेलर का बेस्ट पार्ट मिस्ट्री, 3 मिनट से भी कम टाइम में पब्लिक को कंफ्यूज कर देना विद पास्ट प्रेजेंट का कंफ्यूजन। हाँ। दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस लियो के ट्रेलर से कहानी को समझने के लिए। प्रिडिक्शन वाला गेम खेल सकते हो लेकिन मेकर्स ने कुछ भी रिवील नहीं किया, सॉरी। एक्शन टोटल नेक्स्ट लेवल, ब्रूटल फिल्म मेकिंग, वो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड से कम्पीट करने के लिए। एक मैच्योर ऑडियंस को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती हैं लियो जैसी मूवीज जो थिएटर भरने के लिए कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं एक्सपेरिमेंट करती हैं। पर्सनली मुझे फील हो रहा है ट्रेलर को नॉर्मल रखने के लिए मास्टर लोकेश ने एक्चुअल रियल वायलेंट एक्शन छुपा के रखा है। सिर्फ स्टार्टर मिला है अभी, मेन कोर्स इन थिएटर होगा बॉस, उसके लिए इंडियन सिनेमा इज नॉट रेडी। थालापति विजय एज एक्सपेक्टेड लियो ट्रेलर का एक्स फैक्टर होंगे। यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स ऑफिशियली पूरी तरह बर्बाद कर दिए इनकी फैन आर्मी ने। 2 मिनट के अंदर 2 अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी है विद जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स। बेस्ट ऑफ लक टू विजय हेटर्स जिनके अकॉर्डिंग इनको एक्टिंग नहीं आती। ये ट्रांजिशन वाला सीन फ्रॉम बार्बी टू एनाबेल, इसके लिए पब्लिक वाज नॉट प्रिपेयर्ड। इमोशंस नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे विद विजय की मिस्टीरियस पर्सनालिटी। इसमें विजय का एक्शन अवतार ऐसा लगा पिंजरे में बंद था, लेकिन लोकेश द मास्टरमाइंड ने चाबी ढूंढकर ताला खोल के शेर को, बल्कि वो भी अच्छी लगी थी मेरे को। थैंक्स टू लोकी भैया अगेन। 99.99% मूवीज की तरह सिर्फ हीरो पे फोकस नहीं है इनका, लियो के बैड गाइज आर एक्चुअली अमेजिंग बॉस। संजय दत्त एज पास्ट मॉन्स्टर जो प्रेजेंट में भी लियो को हॉन्ट कर रहे हैं, ये बैडी रोल्स काफी सूट करते हैं टू संजू बाबा। बट पर्सनली मेरे फेवरेट इस ट्रेलर में है अर्जुन उर्फ हेरोल्ड दास। बिना कुछ भी बोले, विदाउट एनी डायलॉग्स, क्या खतरनाक स्क्रीन प्रेजेंस। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनको फिल्मों में देखकर रियल लाइफ में भी डर लगने लग जाए, सेम टू सेम यही फील आ रहा है इनसे। और एक फाइनल चीज जो 100% एडमिट करना पड़ेगा सर, लियो के ट्रेलर को देखने के बाद दोनों हाथ जोड़कर, अनिरुद्ध नो कॉम्पिटिशन, कोई नहीं है इनके जैसा, इम्पैक्ट 50% चला जाएगा। ट्रेलर नहीं, पूरे एलसीयू का बैकबोन है ये बंदा अनिरुद्ध। थिएटर्स को देखना पूरी तरह स्टेडियम में कन्वर्ट कर देंगे ये अपने बीट्स के इशारों से। अब जब सब कुछ अच्छा होने लग जाए तो कुछ लोग तो पक्का आएंगे पत्थर मारने। रीमेक, कॉपी, अडेप्टेशन, इल्जाम बहुत सारे हैं। हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की अनऑफिशियल रीमेक है ये, सबसे बड़ा एक्यूजेशन है ऑन डायरेक्टर लोकेश। बट मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल, तो हिंदी अडेप्टेशन ऑफ हॉलीवुड क्लासिक या फिर ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी मूवीज पहली बार हो रहा है क्या? गॉडफादर हटा दो, 50% क्राइम मूवीज बनती ही नहीं। लोकेश के विजन को सपोर्ट करना पड़ेगा गुरु, अगर फ्यूचर में एलसीयू को सक्सेस बनाना है तभी जाके किसी वालों से कंपीट करोगे। हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा, अगर ट्रेलर अच्छा नहीं लगा तो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दो, जवाब लोकेश खुद देंगे आपको, आई प्रॉमिस, ऑन 19th October। अभी सवाल फॉर द असली रियल किंग पब्लिक, मास सिनेमा बोर तो नहीं हो गए? या फिर लियो एक्चुअली आपको फील हो रहा है एज क्लास वो वाइब्स, अल्ट्रा प्रोमैक्स, ये सब बनाना बच्चों का खेल नहीं है, क्रिएटिविटी मांगता है। जल्दी से नोट करा दो अपना ऑनेस्ट फीडबैक नीचे इन कमेंट सेक्शन, और भूलना मत 20 अक्टूबर को दशहरा में सिर्फ रावण नहीं रिकॉर्ड्स भी जलेंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको, ये मूवी हिट है बॉस, ये हिट है। और क्योंकि इसके अंदर आपको जो एक्शन सीन्स देखने को मिले, जो ब्रूटल फाइट देखने को मिले, जो अनिरुद्ध का म्यूजिक देखने को मिला है, जो आपको लार्जर देन लाइफ सीन्स देखने को मिले, जैसे छोटी छोटी डिटेलिंग एसयूवी पे एकदम से BGM के साथ लाइट ऑन करना, तगड़े लेवल पे हाईवे वाला सीन, एक वो जो जानवर के साथ जो फाइट थी, मतलब जानवर इतना वैसे डिटेलिंग, हर एक चीज गजब, मतलब। और फास्ट पे जैसे ऐसा नहीं था कि स्लो मोशन दिखा रखा है, जो बंदा ऐसे आंखें उसके बहुत मतलब स्केरी लग रहा था वो देख। इस मूवी को लेकर मैं भी काफी एक्साइटेड हूं भाई। इस मूवी की स्टोरी लाइन भी गजब होने वाली है। बीस्ट भी अच्छी लगी थी, बीस्ट भी थी, जेलर देखी वो मस्त लगी है। और बीस्ट का क्या था, एक फन एक्शन मूवी कह सकते हैं, उसमें कॉमेडी भी थी मस्त।
यार इस मूवी से मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इस मूवी में एक फैमिली कनेक्शन भी होगा, नेक्स्ट लेवल फाइट सीन होने वाला है, बैकग्राउंड म्यूजिक ना भैया अब लोग धीरे धीरे ना समझ रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक्शन सीन्स भी आपको लगने चाहिए कि एक्शन सीन्स है, ये भी है नहीं कि ओ माय गॉड स्लोमो कर दिया, नहीं वो जमाना गया स्लो मोशन वाला, वो कुछ ही टाइम के लिए कुछ मूवीज में अच्छा लगता था, अब करके देख लो स्लो मोशन बिल्कुल ही हर सीन में नहीं आता मजा। अब आता है एक्शन फास्ट पेज, हॉलीवुड यही तो करता है फास्ट पेज एक्शन सीन जिसमें ऐसा लगता है ओ भाई साहब ये क्या हुआ, यही चीज है। और तलपति विजय भाई साहब क्या एक्टिंग है इनकी, जो कैरेक्टर को ऐसे घोट लेते ना अपने अंदर, और खासकर वो लुक जिसमें पैन इन किया होता आंखें लाल उस तरीके से। अभी तो स्टोरी तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग सी है कि इसके अंदर किस तरीके से अपने आप को छुपा के रखा है, या किस तरीके से दूसरे बंदे वो एक ही कैरेक्टर है या दो अलग कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से एक ही है, वो बस अलग तरीके से रहने लग जाता है। इसलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें, बाय बाय, टेक केयर।